हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पूजा के लिए पंचामृत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जन्माष्टमी स्पेशल पंचामृत की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पंचामृत से भगवान को भोग लगाया जाता है और घर में पूजा पाठ हवन हो तो पंचामृत बनाते हैं, और आप रोज़ इसको पूजा के समय बना सकते हैं और सबको प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। पंचामृत तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि इसे प्रसाद के फॉर्म में खाया जाता है, लेकिन अगर इसके इंग्रेडिएंट सही हो तो परफेक्ट टेस्ट तो मिलता है। तो चलिए फटाफट से पंचामृत बनाना स्टार्ट करते हैं। पंचामृत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप फ्रेश दही लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप गाय का ताज़ा दूध। कच्चा दूध आपको यहाँ पर लेना है। दूध को हम हल्के हाथों से दही के साथ मिला लेंगे, इसे हमें ज़्यादा फेंटना नहीं है। और अब मैंने मखाना को दरदरा पीस लिया है, इसे भी हम दही में 3 चम्मच ऐड कर रहे हैं। 1 चम्मच किशमिश डाल लेंगे, और अब मैं इसमें 2 चम्मच ड्राई नारियल को ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। मेवा आप यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास गंगा जल है तो 1 चम्मच गंगा जल भी इसमें मिला दीजिए। अब मैं इसमें 1 चम्मच गंगा जल मिला रही हूँ। अब डालेंगे 1 चम्मच शहद, इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं 1 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लास्ट में भोग लगाने के टाइम हम इसमें 3 से 4 तुलसी के पत्ते ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा पंचामृत बनकर तैयार हो गया है, और आप भी इस पंचामृत को ज़रूर बनाइए और भगवान जी को भोग लगाइए और सभी लोगों को प्रसाद में दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपका पंचामृत कैसा बना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।